करने का टाइम आ गया है। और आजा भाई, अबे यार लास्ट 10 में से 7 तोते हमने आज़ाद किए बीवी सकीना के सदके में, और ये लास्ट तोता है जो आज़ाद हो रहे हैं। बाय बाय, टाटा, गया भाई। इन अनदर न्यू व्लॉग। तो आज जो है वो आज बहुत अच्छा दिन हमारे लिए रहने वाला है, क्योंकि हम अपने पैरेट को करने वाले हैं आज़ाद एक हरियाली सी जगह में। तो आज हम अपने पैरेट को, आज 4 मार्च 2023 है, हम आज अपने पैरेट को करेंगे एक हरियाली सी जगह में जाके आज़ाद, क्योंकि भाई मुझे भी, मेरा भी एग्ज़ाम करीब आ रहा है, तो देखभाल मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इन लोग को जाएँ आज़ाद हो जाएं यार, जितना जल्दी आज़ाद हो जाए उतना अच्छा है। और दूसरी चीज़, हमारे व्लॉग में यार 83% लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं यार, तुम्हारे लिए व्लॉग है, सब कुछ तुम्हारे लिए शूट कर रहे हैं इतना अपना टाइम निकाल के। और सो ये भी है एक। और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपका व्लॉग बहुत देर में आता है यार, और थोड़ा जल्दी डालो भाई। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रांडेड चीज़ आने में टाइम लगती है भाई, और हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो ब्रांडेड ही होता है हमारे व्लॉग्स में। सो आगे आप देखते रहिए व्लॉग और देखिए कि कैसे क्या होता है, कैसे आज़ाद करते हैं पैरेट्स को और कहाँ जाते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं आगे की वीडियो में। ओके, धन्यवाद। बच्चे ये मेरे पास अभी 5 बच्चे हैं, और 2 यहाँ नीचे, ये नीचे गैप है इसके, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ नीचे, यहाँ से 2 उड़ गए कल। तो इन 5 को हम रिमूव करते हैं। चलिए आगे की वीडियो में आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हम अपने बजीज़ को रिमूव करेंगे। यहाँ पूरी तरह हरियाली है हर जगह, करबला में हम आए, और यहाँ पे बजीज़ को करेंगे रिमूव हम लोग। तो चलो बजीज़ को लाते हैं घर से और मिलते हैं आगे की वीडियो में। डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, और ये अरवान लेके जा रहा है बजीज़ को, और चलो उड़ाते हैं। लेके आ गए हैं हम करबला में मोला अब्बास के रोज़े के सामने बीवी सकीना के सदके में। अब इन लोग को हम करेंगे आज़ाद। यहाँ देखिए पेड़ पे, यहीं पे इनका सही है, यहाँ पे मौला अली का रोज़ा है, और ये पूरी तरह से हरियाली है। हम इनको यहाँ इसलिए छोड़ रहे हैं कि यहाँ कोई की जगह नहीं है और कोई इनको पकड़ नहीं पाएगा, ये मौला की जगह है। इन लोग को आज़ाद करने का टाइम आ गया है। और अच्छा भाई, अबे यार आज़ाद हो रहे भाई, काहे भाग रहे हो? और 10 तोते हम लाए थे, इसमें से 7 बचे थे, और 7 में से 2 पहले उड़ चुके हैं, और ये 5 हैं जिनको हम उड़ाने जा रहे हैं। ओ भाई वहाँ से बैठे हैं। आजा उड़िया। वहाँ गिर गया शायद, वो नहीं पा रहा, उड़ चुका है, वो वहाँ बैठा हुआ है, वो देखिए वो रहा, वो हो गया, ए वो रहा। अब 2nd की बारी है, चलो 2nd को उड़ाते हैं। आजा भाई आजा। तो ये 2nd है, फर्स्ट वाला वो रहा, उड़ रहा है, जा भाई उड़ जा। वो देखो उड़ के गया, वो वाला उड़ के गया, देखो बहुत सही उड़ के गया। वो फर्स्ट वाला यार अब चलो और निकालते हैं। आ जाओ भाई। अरे भाई मैं पकड़ काट नहीं खाऊंगा। अरे देखो ये लोग कितने तेज हैं, आए नहीं रहे हैं यार। तो चलो ये रहा एक और कहाँ है बाकी सब यार? क्या भाई वो हो गया, वासिक आजा भाई आजा 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 आजा। तो चलो ये भाई फाइनली लास्ट है। 10 में से 7 तोते हमने आज़ाद किए बीवी सकीना के सदके में, और ये लास्ट तोता है जो आज़ाद हो रहा है। बाय बाय टाटा। गया भाई वो रहा। ओ भाई नीचे क्यों आ रहा है? ओहो खुशी देखो बंदे की, वहाँ गया है। ओके तो फाइनली हमने अपने वजीज़ को आज़ाद कर दिया और अब घर की तरफ रवाना होते हैं। चलिए वीडियो यहीं तक के लिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आज जो खुशी मिल रही है वो दिल से मिल रही है, क्योंकि आज हमने एक अच्छा काम किया है। और चलो आज़ाद करके अब हम इनको जा रहे हैं घर की ओर। और मौला अली का रोज़ा करबला जो एक जन्नत है अपनी में, और यहाँ ऐसी अच्छी जगह पे ये लोग आज़ाद हुए हैं और इनके यही निगहबान हैं। तब तक लिए टाटा बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। चलिए ओके बाय बाय।